नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सुभाष बिसैया जी जो असंख्य समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। जिस तरह अगर हम बात करें किसानों की, हर बॉर्डर पे किसान आके रुक चुके हैं किसान बिल को लेके, तो उस पे सुभाष बिसैया जी का क्या कहना है? बिल किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, असंख्य समाज पार्टी का पूर्ण विरोध करती है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिसैया किसानों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। जिस तरह केंद्र सरकार ऐसी कमरे में बैठकर इस तरह के अध्यादेश किसानों पर नहीं थोप सकती। किसान हमारे देश के अन्नदाता है, सरकार को किसानों से सीधी बात करनी चाहिए, ना कि ऐसी कमरे में बैठकर टाइम देते रहें। किसान आने वाले समय पर सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर सरकार अब भी किसानों से सीधी बात नहीं करती, ये आंदोलन गंभीर रूप लेगा। मैं सुभाष बिसैया सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द किसानों से बात करें और जो किसी बिल में कमियाँ हैं उसका पूरा सुधार करें। सुभाष बिसैया जी, दिल्ली की बात करें, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी भाई हैं, जिनको बार बार अपनी सैलरी के लिए रोडों पे धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, मगर उनकी सैलरी फिर भी टाइम पे नहीं मिलती। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सुभाष बिसैया जी के पास है, उनका क्या कहना? जी सर, जिस तरह सरकारें सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहती है, मगर उनके वेतन देने की जब बारी आती है, दिल्ली सरकार एमसीडी नौटंकी शुरू हो जाती है और एक दूसरे पर आरोप थोपती है कि दिल्ली सरकार कहती है हमने एमसीडी को पैसे दे दिया, मगर एमसीडी कहती है हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार में आखिर इन दोनों की लड़ाई में सफाई कर्मचारियों की क्या गलती है? सरकारें उनको कोरोना योद्धा कहती हैं, मगर दिल्ली सरकार के पास प्रचार के लिए पैसा है, पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा नहीं है। ये बहुत गलत बात है और सरकार दोनों सरकारें मिली हुई हैं, एक दूसरे पर थोपा करती हैं। सफाई कर्मचारी बेचारा तीन महीने की वेतन ना मिलते हुए अपनी भूख प्यास से जूझ रहा है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। क्या नाम आपका, मैं जानना चाहूँगा? मैं सतपाल रामधारी, असंख्य समाज पार्टी से पूर्व प्रत्याशी व दिल्ली प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त हूँ। सर, जिस तरह आज की डेट में, जैसे आप भी देख रहे होंगे, 7 दिन हो गए किसानों को बॉर्डर पे आए, मगर जो सरकारें हैं वो अब तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, तो क्या कहना चाहेंगे और आपकी पार्टी का क्या समर्थन किसानों के लिए होगा? जी, हमारे असंख्य समाज पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ में है और किसान जैसे भगत सिंह ने बहरो सरकार को सुनाने के लिए एक बम फोड़ा था, उसी प्रकार ये किसान इस देश में फिर से क्रांति को उजागर करेंगे और इस देश को एक नई दिशा देंगे। अच्छा सर, जिस तरह जो कृषि बिल लाया गया उसमें किसान कह रहे कि इसमें बहुत सारी खामियां है, कमियां बहुत सारी है, क्या ये सरकार सुनेगी किसानों की बात? जी, उनको सुननी चाहिए, क्योंकि कितनी दूरी पर कितना पेड़ लगता है ये मंत्री को नहीं पता, ये किसान को पता होता है। और किसान अपना तन मन धन, अपनी पूरी उम्र, अपना परिवार, अपनी संतानें, अपने कुनबे तक गवा देता है सिर्फ इस देश को अन्न पहुंचाने के लिए। और उनके लिए हम अपने घर में, अपने एफसी रूम में बैठकर अध्यादेश पास कर देंगे, तो ये कहीं का न्याय नहीं है, ये राम राज्य नहीं है, ये एक अन्याय है। और उनके लिए जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और तन मन धन और बल रूप से हम उनके साथ हैं, वह उनके साथ प्रदर्शन में भाग लेंगे, ये हमारा प्रण संकल्प है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।